दोस्तों, मैं सफी सर आप सबका स्वागत करता हूँ आपके चैनल आफिया केमिस्ट्री पॉइंट में। तो आज जानते हो बाबू हम लोग क्या करेंगे? आज जो है ना, हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, यानी KOH कैसे बनाया जाता है आज देखना। आज आराम से तुम लोग को बनाने हम सिखाएंगे, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है इसको बनाएंगे, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बनाएंगे, यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी आज हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है। यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, यानी इन दोनों को बनाएंगे। तो इन दोनों को बनाने के लिए जो है ना, इतना सा सामान जो है हमको लेना पड़ा है। तो खाली वीडियो को आप लोग जो है देखते रहोगे, ठीक है। तो इसको हम पहले हम छोटा करते हैं, ठीक है। इसको हम छोटा कर रहे हैं, किस लिए छोटा कर रहे हैं? आप वीडियो को देखते रहो, आपको पता चल जाएगा कि सफी सर जो है ना, इनको छोटा जो है ना क्यों कर रहा है, आखिर क्यों इसको कट कर रहे हैं, आखिर कैंची से जो है क्यों काट रहे हैं, ठीक है। देखते चलिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि किस कारण जो है सफी सर जो है इसको कैंची से जो है इस प्रकार से काट रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है, ठीक है। कुछ कारण नहीं है, आज हम लोग को जो है क्या बनाना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाम सुने हो, कभी बनाए नहीं हो, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इतना सारा कट कूट के फालतू एक्स्ट्रा चीज़ मिला, तो सबको क्या करेंगे? फेंक देंगे, इसको हटाओ, ये सब काम का चीज़ ना है। जो काम का चीज़ नहीं है इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये सब जो है ना काम का चीज़ नहीं है, अभी जस्ट कैंची से काटे ना, ये सब फालतू सब सारा सामान है। ये सब फालतू सब सामान क्या करेंगे? सभी सब ऐसे ऐसे जमा करना है हम लोग को, इस तरह से जमा कर दिए। अभी जो कैंची से काटे, ये तो पेन है, काम का चीज़ है, इधर रखो, ये भी काम का चीज़ है। ये जो काम का चीज़ नहीं है उसको हटा देंगे हम लोग। तो ये सब इसको क्या करें? हटा देते हैं, काम का चीज़ है नहीं, अभी जो कैंची से काटे हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, फिर इसको भी छोटा कर देते हैं, लंबा है थोड़ा, बड़ा चौड़ा है, जो थोड़ा सा और इसे कटिंग कर देते हैं। कैंची से काट दिए इसको, चार काटने आता है नहीं आता है, देखो कैसे काटा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? कटिंग। तो इससे भी देखिए कचरा निकला, काटे तो देखो ये फालतू सब एक्स्ट्रा जो है निकला है, ये सब एक्स्ट्रा है, कोई काम का चीज़ नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे यहाँ से। जो काम का चीज़ नहीं है उसको हम लोग को क्या करना है? हटा देना है, ठीक है। आखिर इतना जो है प्रक्रिया जो कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं मालूम है? बोलो तो। नहीं मालूम है तो सुनो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको बनाने के लिए और इसको बनाने के लिए, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कैसे बनता है, तो चलिए आज बनाते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाना है, यानी ये दोनों को, सॉरी इसको और इसको बनाना है, ये दोनों को बनाना है। तो आपको जानते हो आपको क्या करना होगा बाबू लोग? मालूम है, इन दोनों को हम लोग को बनाना है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाना है। तो इसके लिए आपको पोटेशियम लेना होगा, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम लेना होगा। पोटेशियम क्या है? आपका धातु है, तो पोटेशियम ले लेंगे, ठीक है। पोटेशियम हम लोग क्या किए? ले लिए, यहाँ पे हम अच्छी तरीके से चिपका दिए, यानी हम लोग पोटेशियम ले लिए, ठीक है। अब ये पोटेशियम का रिएक्शन जानते हो किसके साथ कराएंगे? पोटेशियम का रिएक्शन यहाँ पे ये प्लस का सिंबल दिए, यानी इनका रिएक्शन जो है इनके साथ होगा। मालूम है? नहीं मालूम है तो आज हम बता ही देते हैं, यानी जल के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो ये पोटेशियम हो गया, ये जल हो गया, इन दोनों का क्या होगा? रिएक्शन होगा। और रिएक्शन के बाद क्या क्या होगा देखो, तो इसका और इसका रिएक्शन कराओगे, ठीक है। तो समीकरण में जानते हो ना, ये दोनों ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है? भाग ले रहा है ना, पोटेशियम और जल, ठीक है। इन दोनों आपस में अभिक्रिया से ही आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ एरो का सिंबल हम लोग दे देंगे, ठीक है। एरो का सिंबल इस प्रकार से क्या करेंगे? लगा देंगे, ठीक है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा ना, जब पोटेशियम और जल का आप रिएक्शन करा रहे हो, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो जानते हो क्या होने वाला है? मालूम है? नहीं मालूम है तो आज देखिए, आज आप लोग को हम क्या करा रहे हैं। यानी जो है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, यानी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको प्राप्त होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, और साथ ही साथ जो है ना आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल दे देंगे, और ये आपका हाइड्रोजन, देख लीजिए आपका अभी रिएक्शन जो है तैयार हो गया। यानी पोटेशियम को जल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। तो इस बात को याद रखना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हो। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बाबू। ये देखो पोटेशियम ले लेना, उसको जल के साथ रिएक्शन करा देना। तो रिएक्शन जब कराओगे इन दोनों का, तो बनेगा आपको मिलेगा आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया पोटेशियम का सिंबल, ये हो गया जल का फार्मूला, ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, ये हो गया हाइड्रोजन का अणुसूत्र। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर सकते हो। यानी पोटेशियम को जल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं?
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं यानी पोटेशियम और जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आपका हाइड्रोजन गैस भी मिलता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अब देखिए आज हम लोग क्या क्या सीखें, ये आज हम लोग को ये पता चल गया कि पोटेशियम को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं यानी अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है, और साथ ही साथ पोटेशियम का सिंबल पता चल गया कि पोटेशियम का सिंबल K होता है, जल का फार्मूला H2O होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला KOH होता है, और हाइड्रोजन गैस का अणुसूत्र H2 होता है। इतना चीज़ आज हम लोग सीखे, ठीक है। तो क्लास आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। और जो बाबू अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या चैनल पर नए हो तो उन बाबू से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।